एग्जाम हो चुका है खत्म, बच चुका है 8। चलिए चलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ब्लॉग व्यू। गाइस आज हम जाने वाले हैं वाराणसी। क्यों? क्योंकि ग्रुप बी का एग्जाम है मेरा 29 तारीख के, वीडियो शूट हो रहा है 28 तारीख को, तो 29 को एग्जाम है मेरा दोपहर को, तो जा रहा हूँ यहाँ पे वाराणसी। तो इस ब्लॉग वीडियो में बने रहेगा, काफी आपको इंटरेस्टिंग आपको ब्लॉग वीडियो आपको देखने को मिलने वाला है इस चैनल पे। अब पूरे 1-2-3 नहीं, 5-5-6-6 ब्लॉग वीडियो आने वाले हैं इस चैनल पर, लगातार आने वाले हैं, वो भी वाराणसी का। समझ सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे आने वाले हैं, अच्छे अच्छे इस चैनल पर आपको ब्लॉग वीडियो देखने को मिलने वाले हैं। और मैं जाने वाला हूँ, आपको भी शायद कराने वाला हूँ इस चैनल पर, बहुत दिन के बाद है वीडियो आ रहा। तो यहाँ पे बैग पैकिंग कर रखे हैं, अभी यहाँ पे बज रहा है 9, रात को 1:50 में मेरा ट्रेन है, तो चलते हैं। खाना वाना बनाएंगे रूम में मेरा, तो लाइफ स्टाइल ब्लॉग बनाएंगे तो कभी देख लीजिएगा रूम, तो चलिए चलते हैं, खाना वाना बनाते हैं, खाओ के चलते हैं, मिलते हैं पटना जंक्शन पे। फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं पटना जंक्शन, देख सकते हैं यहाँ पे पटना स्टेशन पे मैं खड़ी हूँ जंक्शन पे, और ये प्लेटफार्म नंबर यहाँ पे 10 पे, तो इसी पे ट्रेन आने वाली है यहाँ पे बुध पूर्णिमा। तो चलिए यहाँ पे 1:50 में ट्रेन है, तो 1:40 में शो कर रहा है, आप देख सकते हैं 1:20 हो चुका है। फाइनली गाइस देख सकते हैं यहाँ पे बुध पूर्णिमा जो ट्रेन है फाइनली आ चुके हैं प्लेटफार्म नंबर 10 पे, तो देख सकते हैं अब हम उनको बैठेंगे इस ट्रेन में और चलेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे तो भीड़ तो नहीं देखने में लग रहा है क्योंकि मेरा टिकट कंफर्म है, तो बैठेंगे और चलेंगे डायरेक्ट वाराणसी, और आपको घुमाने वाले हैं, सैर कराने वाले हैं, तो इस ब्लॉग वीडियो में बने रहेगा। तो चलिए ट्रेन रुकेगा फिर चढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद आप भी देखिएगा वीडियो में, तो पूरा सैर कराने वाले हैं आप लोगों को वाराणसी का। तो फाइनली चलिए ट्रेन रुकती है, उसके बाद चढ़ते हैं ट्रेन पे और मिलते हैं अगले स्टेशन पे। फाइनली देख सकते हैं यहाँ पे पहुँच चुके हैं गया जंक्शन, यहाँ पे आ चुकी है ट्रेन, उसके बाद यहाँ पे रुकेगी थोड़ी देर, उसके बाद चलेंगे अगला स्टेशन। तो चलिए अब मिलेंगे हम आपको बनारस में, आपको दिखाएंगे अब उतरने के बाद। देख सकते हैं यहाँ पे फाइनली ट्रेन खुल चुकी है रुकने के बाद यहाँ पे गया जंक्शन से, तो चलिए मिलते हैं हम आपको वाराणसी जंक्शन। गाइस पहुंच चुके हैं वाराणसी जंक्शन, जैसे कि देख सकते हैं ट्रेन रुक चुका है, फाइनली हम लोग उतर चुके हैं। देख सकते हैं यहाँ पे 9 बजे टाइम था 8:45 में, देख सकते हैं कितना भीड़ आपको देखने को मिला हो, क्योंकि ग्रुप डी का एग्ज़ाम है तो काफ़ी भीड़ यहाँ पर आपको देखने को मिला इस ट्रेन में। देख सकते हैं सारे लोग देख सकते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम देने ही आए हैं। चलिए यहाँ पे निकलते हैं स्टेशन से बाहर, देख सकते हैं फाइनली यहाँ पर आ चुके हैं, ओवर ब्रिज पर जा रहे हैं हम लोग, काफ़ी भीड़ यहाँ पे, जितने भी लोग आए हैं देने, सारा कम से कम 80% इस ट्रेन में बुध पूर्णिमा में सिर्फ एग्ज़ाम देने ही वाले लोग हैं, सारा चीज़ मिल रहे हैं, जितने भी लोग हैं सबसे पूछ रहे हैं तो एग्ज़ाम देने किस चीज़ का, तो ग्रुप डी का, तो काफ़ी भीड़ यहाँ पे था। देखते हैं फाइनली हम आ गए हैं नीचे, लिफ्ट की ओर जा रहे हैं, फाइनली निकलते हैं स्टेशन के बाहर और आपको दिखाते हैं नज़ारे बनारस का, कैसे यहाँ पे नज़ारे, यहाँ के नज़ारे कुछ इस तरह का देख सकते हैं लुक नज़ारे, मैं हर एंगल से दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। देखते हैं साफ़ सुथरा काफ़ी रखा गया है जंक्शन पे, ध्यान है काफ़ी, देखते हैं यहाँ पे तिरंगा दिख रहा है, यहाँ पर हर स्टेशन पर आपको तिरंगा देखने को मिल जाता है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं वाराणसी जंक्शन कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर, अगर रात के देखते हैं यहाँ पे लाइट लगाएंगे, लेकिन रात को मैं आपको दिखा दूंगा अगले वीडियो में, इस वीडियो में तो नहीं आपको। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी व्यूज, काफ़ी अच्छे नज़ारे, देख सकते हैं वाराणसी जंक्शन का लुक व्यूज, देख सकते हैं काफ़ी बड़ा स्टेशन है यहाँ पे, देख सकते हैं। चलिए मैं अब चलता हूँ अपने सेंटर पे, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है तो सेंटर पे चलेंगे, आपको दिखाएंगे कहाँ एग्ज़ाम है मेरा, और यहाँ की गलियाँ हैं वाराणसी की गलियाँ, हवाएं सब सैर कराने वाले हैं आपको। देखते हैं हम आ गए हैं पर पुल के नीचे फाइनली, यहाँ पे ओवर ब्रिज है, यहाँ पे नीचे आ गए हैं, इसके नीचे ही यहाँ पे बस मिलता है जहाँ पे मेरे को जाना है, और चलते हैं सेंटर पर आपको दिखाएंगे। चलिए फाइनली गाइस यहाँ पर देखते हैं मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, पहले का वीडियो मैं नहीं बना पाया क्योंकि मेरा कहीं पर लेट हो गया था, तो बैग रखने में लेट हो गया तो इसलिए वीडियो नहीं बना पाया, और यहाँ पर देखते हैं बज गया यहाँ पर 6, यानी यहाँ पे रात हो चुका है फाइनली, यहाँ पे अब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, चलते हैं फिर जाएंगे आपको आप सैर कराएंगे वाराणसी, पूरा सैर कराने वाले हैं, तो इस ब्लॉग वीडियो में बने रहे। फाइनली गाइस यहाँ पर देखते हैं बनारस की गलियों, बनारस की रोडे पे यहाँ पे हम घूम रहे हैं, देखते हैं बाइक से, मेरा एक दोस्त है उस बाइक पर ही बैठ के हम घूम रहे हैं, तो जाएँगे उसके रूम पर और सैर कराएँगे, यानी 2-3 दिन रहेंगे पूरा बनारस आपको घुमाने वाले हैं,
तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पे आप वीडियो देखने के मिल रहे हैं इस चैनल पर, देख सकते हैं। चलिए मैं आपको आज शेयर कराता हूँ जितना हो सकता है, क्योंकि अभी हो चुका है यहाँ पे रात, फाइनली 7 बज चुका है। चलिए जाएंगे रूम पे, चलिए चलते हैं हम रूम पे, अभी जा रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों मैं आपको कुछ यहाँ बारे में बता देता हूँ। ये जो रोड है यहाँ पे हमेशा 24 घंटा यहाँ पे इस रोड पे चलते रहता है गाड़ी, क्योंकि इसके आगे हम दोस्तों चौराहा आपको दिख रहा हो, इस चौराहा के लेफ्ट साइड में यहाँ पे काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है, सब लोग आते हैं स्नान करते हैं, काफ़ी भीड़ रहता है वहाँ पर। तो इसी कारण से ये रोड काफ़ी व्यस्त है और हमेशा यहाँ पर गाड़ी चलती है। तो आइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। पुलिस ट्रैफिक भी काफ़ी यहाँ पर सुरक्षा आपको देते हैं, देखते हैं लेफ्ट यहाँ पे है, काफ़ी यहाँ अच्छा व्यूज नज़ारे देख सकते हैं, कुछ इस तरह का आप देखने को मिल जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जो लेफ्ट में इधर काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है, इधर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अगले वीडियो में आपको दिखाऊँगा, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, अभी मैं जा रहा हूँ रूम पर, तो कल का ब्लॉग वीडियो में देखने का। इससे यहाँ पे देखते हैं पहुँच चुके हैं अपने गली में, देखते हैं यहाँ पे हम जा रहे हैं लंका, लंका तरफ रूम है, उधर ही बीओची है, तो सारा सैर कराने वाले हैं वाराणसी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा, अगले वीडियो में आपको मिलेगा, उसके अगले वीडियो में मिलेगा, आपको मिलते रहेगा 4-5 वीडियो लगातार वाराणसी का।